हेलो एवरीवन, इटली हम पर आपका स्वागत है। आई एम शानू एंड आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड के बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन। ये ब्रेड के गुलाब जामुन सबसे ज्यादा जल्दी बनकर के तैयार हो जाते हैं, बहुत ही कम मेहनत में और कम टाइम में ये बनकर के तैयार होते हैं। तो जब चाहे तब हम इसे बना सकते हैं और ये खाने में काफी टेस्टी होते हैं। और अगर हम इसे एकदम परफेक्ट तरीके से बनाएं तो इसे बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती है। तो चलिए जल्दी से परफेक्ट तरीके से ये ब्रेड के गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 12 से 14 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं। मैंने व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है, आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। बस इनके जो कॉर्नर्स हैं ये मैंने चारों तरफ के कट कर दिए हैं, आप चाहें तो कॉर्नर के साथ इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हम इन्हें पीसेंगे, इन्हें ग्राइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ मिक्सी का एक बड़ा वाला जार लिया है और इसमें मैं ये ब्रेड के टुकड़े हाथों से इस तरह से तोड़कर डाल रही हूँ और दो बार में हम इन्हें ग्राइंड करेंगे। अगर आप चाहें तो बिना मिक्सी के ग्राइंड किए हुए आप इन्हें हाथों से भी मैश करके बना सकते हैं, लेकिन उससे टाइम और मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड इसमें डाल दिए हैं, अब इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने ब्रेड को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, अब इसे मैं एक मिक्सिंग बाउल में निकाल रही हूँ और बाकी की बची हुई ब्रेड भी मैं पाउडर बना करके तैयार कर लूँगी और इसमें हम सारे ब्रेड क्रम्ब को मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर जो कि इसके फ्लेवर को बढ़ाएगा। यहाँ पर हमारे इन गुलाब जामुन में मावे जैसा टेस्ट लाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। तो ये जो एवरीडे का 10 रुपये वाला सेशे है मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि लगभग 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर के बराबर है। इसे डालने से हमारे गुलाब जामुन का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बिना मिल्क पाउडर के भी गुलाब जामुन बना सकते हैं। अब मैंने लिया है यहाँ पर 3/4 कप दूध जो कि गर्म किया हुआ ठंडा दूध है और दूध से हम गुलाब जामुन का डो तैयार करेंगे। यहाँ पर जब हम ब्रेड में ये दूध को डालें तो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि कई बार इसमें ज़्यादा दूध की ज़रूरत होती है तो कई बार कम दूध की ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएंगे और हाथों से अच्छे से मैश करते हुए डो को तैयार करेंगे। आप चाहें तो दूध की जगह पर पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन गुलाब जामुन में थोड़ा सा दूध होगा तो टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है। यहाँ पर आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालने से गुलाब जामुन अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे और इसमें मॉइस्चर की कमी नहीं होगी। तो यहाँ पर अब हम इसे फिर से हाथों से मस लेंगे। तो इसका जो डो है वो हमें थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए ये। और जो दूध मैंने 3/4 कप लिया था उसमें से ये 2 टेबल स्पून दूध बच चुका है, तो हमें इसमें ध्यान से दूध का इस्तेमाल करना है। अगर फ्रेश ब्रेड होगी तो कम दूध का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर अब हम इस डो को 2 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। इतने में गुलाब जामुन की चाशनी के लिए एक बर्तन में हम डालेंगे 1/4 कप यानी कि 1 1/4 कप चीनी। यहाँ पर गुलाब जामुन के लिए अगर थोड़ी सी ज़्यादा चाशनी होगी तो फिर गुलाब जामुन अच्छे से चाशनी को पी पाएंगे और अच्छे से सॉफ्ट होंगे। तो इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी और साथ ही में 3 हरी इलायची डाल देंगे जिससे कि चाशनी में अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसे अच्छे से पकने देंगे। तो ये देखिए चीनी अच्छे से घुल गई है और चाशनी अच्छे से उबल रही है। तो अब चाशनी के जरिए गुलाब जामुन का फ्लेवर और भी बढ़ाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच गुलाब जल। गुलाब जामुन की जो चाशनी है वो ज़्यादा थिक नहीं होती है, इसमें तार वगैरह नहीं होता है, बस हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी हमें बनानी है। तो यहाँ पर हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो इसमें बहुत हल्का सा चिपचिपापन है, तो बस हमें अभी इसे इतना ही पकाना है, बाद में हम इसे गुलाब जामुन के साथ पकाएंगे। तो गैस बंद कर देंगे और चाशनी को साइड में रख लेंगे। इधर हम गुलाब जामुन बनाएंगे। तो गुलाब जामुन में स्टफ़ करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ किशमिश और काजू के टुकड़े लिए हैं। आप चाहें तो बिना किसी स्टफिंग के भी गुलाब जामुन बना सकते हैं। अब गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हाथों पर हम थोड़ा सा घी या तेल लगा लेंगे और छोटी साइज के गुलाब जामुन बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसकी बॉल एकदम स्मूथ बनानी है, तो पहले हम इसे हाथों में अच्छे से थोड़ा सा दबाते हुए बाइंड करेंगे और फिर इसमें जगह बनाते हुए एक किशमिश और एक काजू का टुकड़ा भर लेंगे इसमें। अब फिर से इसे बंद करके हम इसकी अच्छे से बॉल बना लेंगे। ब्रेड के जो गुलाब जामुन है ये हमें ज़्यादा बड़ी साइज में नहीं बनाने हैं, नहीं तो जो गुलाब जामुन है वो फ्राई करते टाइम पर अंदर तक अच्छे से नहीं पकेंगे, थोड़े से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से छोटी साइज के ही हम गुलाब जामुन बनाएंगे।
एक बात का आप ध्यान रखें कि ब्रेड का ये जो डो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड या सख्त नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट ही होना चाहिए। बस इस तरह का सॉफ्ट होना चाहिए कि ये हमारे हाथों पर ज़्यादा ना चिपके, ज़्यादा चिपचिपाहट इसमें ना हो। तो फिर गुलाब जामुन एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। तो ठीक इसी तरह से हम पहले कुछ गुलाब जामुन की बॉल्स बना लेंगे। अब गुलाब जामुन को तलने के लिए मैंने कढ़ाई में 1 कप तेल गर्म होने के लिए रखा है। आप चाहें तो घी में भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, मैं फिलहाल तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो तेल को हमें स्लो आंच पर गर्म करना है। अब इसमें हम 1 गुलाब जामुन की बॉल डालेंगे और थोड़ी देर इसे फ्राई होने देंगे ताकि हमें पता चले कि हमने डो कैसा बनाया है, सही बना है या नहीं बना है। तो यहाँ पर हमारा जो ये गुलाब जामुन है अच्छे से फ्राई हो रहा है और बिल्कुल सही से हमारा तेल भी गर्म है। बहुत ज़्यादा अगर ये गर्म होगा तो फिर गुलाब जामुन अंदर से कच्चे रह जाएंगे और अगर ठंडा होगा तो फिर गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे जो कि फिर सही नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारा तेल भी सही से गर्म है और डो भी हमारा एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर हम इसमें और गुलाब जामुन डालेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। तो पहले 1 मिनट के लिए हम इन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और उसके बाद हम इन्हें हल्के से चम्मच से रोटेट करते हुए फ्राई करेंगे। और एक बार में हमें बहुत ज़्यादा ब्रेड गुलाब जामुन नहीं डालने हैं, कुछ ही पीसेस डालेंगे जिससे ये अच्छे से फ्राई होंगे। अगर आपको लगे कि गुलाब जामुन फट रहे हैं तो आप बचे हुए डो में थोड़ा सा मैदा मिक्स कर सकते हैं या फिर आप थोड़ी सी ब्रेड को पीस करके डो में शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और जब गुलाब जामुन पर इस तरह का कलर आ जाए तब हम इन्हें घी में से निकाल लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा और इन्हें डार्क होने तक फ्राई कर सकते हैं। तो ये हमारे जो गुलाब जामुन है इन पर बहुत अच्छा कलर आ चुका है। तो जल्दी से हम इन्हें घी में से निकाल कर तुरंत ही चाशनी में डालेंगे। तो जो चाशनी है वो गुलाब जामुन डालते टाइम पर गर्म होनी चाहिए। ठंडी चाशनी में अगर इसे डालेंगे तो फिर गुलाब जामुन अंदर तक चाशनी को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे और फिर बचे हुए सारे गुलाब जामुन हम थोड़े थोड़े करके घी में फ्राई करते जाएंगे और इस चाशनी में डालते जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे गुलाब जामुन है वो सारे तल के चाशनी में डाल देंगे और उसके बाद हम इन्हें एक साथ चाशनी में पका लेंगे। तो ये देखिए मैंने ब्रेड के सारे गुलाब जामुन तल करके चाशनी में डाल दिए हैं। अब मैंने फिर से गैस ऑन की है और मीडियम आंच पर हम इसे 2 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और हल्का हल्का सा हम इसे चम्मच से इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये चाशनी में अच्छे से डिप हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से चाशनी में अच्छे से बॉईल आने लगा है। तो थोड़ा सा गुलाब जामुन को हम चाशनी के साथ पका लेंगे जिससे गुलाब जामुन सॉफ्ट हो जाएंगे और चाशनी और अच्छे से सही कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो अब ये हमने पका लिए हैं तो गैस को बंद कर देंगे और इसे ढक देंगे और आधे से 1 घंटे तक हम इसे चाशनी में इसी तरह से रहने देंगे। तो मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए इन गुलाब जामुन को चाशनी में रखा है। अब मैं इन्हें सर्व कर रही हूँ। तो जितनी ज़्यादा देर हम इन्हें चाशनी में रखेंगे उतने ही अच्छे से ये चाशनी को अब्जॉर्ब करेंगे। तो मैं तो इन्हें फटाफट से सर्व करने वाली हूँ क्योंकि ये हमारे गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो ये देखिए अब 1 गुलाब जामुन मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो हमारे जो गुलाब जामुन है ये काफ़ी सॉफ्ट है, स्पंजी है और ये देखिए इसके अंदर तक चाशनी अच्छे से गई है। तो आप बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और जल्दी से इन्हें सर्व करते हैं। इस तरह से ये हमारे ब्रेड के गुलाब जामुन तैयार है खाने के लिए। तो आप भी अपने घर में इस तरह से इसे बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए, सबको ये बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ और हमारे चैनल ईट यम्मी शोज़ को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीज मिलती रहे। और नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस ब्रेड के गुलाब जामुन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी शोज़।